क्लास 10th वर्कबुक लेसन 6। स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स आर ऑफन लेबल्ड बाय देयर कंपेनियंस एज बुकवॉर्म्स। वे विद्यार्थी जो किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं उन्हें उनके साथी अधिकतर किताबी कीड़ा की उपमा देते हैं। This criticism generally comes from students who consider themselves better in sports. ये आलोचना सामान्यतया वे विद्यार्थी करते हैं जो अपने आप को खेल कूद में अच्छा मानते हैं। किताबी कीड़ा क्या होता है, देखिए ये चित्र में बताया है कि ऐसा माना जाता है ये जो कागज खा जाता है कि किताब के अंदर ऐसा कीड़ा होता है जो उसी के अंदर रहता है। तो ऐसा जो बच्चे पढ़ने में डूबे हुए रहते हैं उनको ये उपमा दी जाती है कि वो भी किताबी कीड़ा है, उसी में डूबे हैं। स्टूडेंट हु शाइन इन एथलेटिक्स और इन गेम्स कंसिडर दैट इट इज़ बेटर टू स्पेंड टाइम एंड एनर्जी इन अ स्पोर्ट्स अरीना दैन इन अ क्लासरूम और एट अ रीडिंग डेस्क। वे विद्यार्थी जो खेलकूद में अच्छे होते हैं या खेलकूद में चमकते हैं वो ये मानते हैं कि अपना समय और अपनी ऊर्जा को क्लासरूम में खर्च कर क्लासरूम में किसी पढ़ाई की टेबल पर खर्च करने से ज़्यादा अच्छा है कि उसे खेल के मैदान में खर्च किया जाए। ऑल द सेम दैट डू इनवे दियर फेलोज हु शाइन एकेडमिकली। और इसके साथ ही वो उन विद्यार्थियों से भी ईर्ष्या करते हैं जो पढ़ाई में चमकते हैं या पढ़ाई में अच्छे निकलते हैं, इसलिए चिड़वश भी वो उनको उपमा देते हैं किताबी कीड़े की। एकेडमिक ऑनर हैज अ ग्लेमर विच इज यूनिक। पढ़ाई का जो सम्मान होता है वो अपने आप में अनूठा है। इट इज नॉट टू बी डिनाइड दैट द प्लेइंग गेम्स इज अ यूजफुल एक्टिविटी। इस बात से डिनाई यानी इनकार करना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खेल खेलना एक उपयोगी गतिविधि है। बिकॉज इट क्रिएट्स टीम स्पिरिट एंड ऑल्सो मेक द स्पोर्ट्समैन हेल्दी एंड विगरस। क्योंकि ये जो खिलाड़ी होते हैं उनमें टीम भावना का विकास करती है, साथ ही जो खिलाड़ी होता है वो स्वस्थ और बलिष्ठ होता है। खेल भावना या टीम भावना में एक साथ काम करने की प्रेरणा मिलती है। दैट इज़ व्हाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गिवन सो मच इम्पोर्टेंस इन द करिकुलम ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। इसीलिए खेलकूद को हर स्कूल और कॉलेज के करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में इतना स्थान दिया जाता है। बट स्टडी शुडन बी नेग्लेक्टेड, लेकिन पढ़ाई की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एंड शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस अलॉन्ग विद अदर एक्टिविटीज कनेक्टेड विद एजुकेशन। पढ़ाई की उपेक्षा नहीं करना चाहिए और उसे भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना शिक्षा के साथ जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को दिया जाता है। यानी खेलकूद का भी महत्व हो लेकिन साथ में पढ़ाई का भी महत्व बराबर बना रहे। लेट ईच टाइप ऑफ एक्टिविटी हैव इट्स ओन प्लेस इन अवर डेली रूटीन। हमारे जो दिनचर्या होती है उसमें हर प्रकार की जो गतिविधि है उसका अपना स्थान रहना चाहिए। देन ओनली विल वी हैव स्टूडेंट्स बोथ एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। तभी हम हमारे विद्यार्थियों को दोनों तरह से अर्थात शैक्षणिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से उनको स्वस्थ पाएंगे। वी वॉन्ट अवर एजुकेशनल सिस्टम टू जनरेट दिस एनर्जी अमंग अवर यूथ। हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो कि इसमें दोनों में वो सामंजस्य पैदा कर सके हमारे युवाओं के लिए। किन दोनों में सामंजस्य पैदा कर सके, शिक्षा में यानी अध्ययन में और उसके साथ साथ खेल में, ताकि बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा निकले और शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ हो। ठीक है, थैंक यू।